हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर. आवर टुडेज टॉपिक इज क्रिस्टोफर मार्लो. तो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. नाउ क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग्ड टू एलिजाबेथन एरा एंड ही वाज अ ट्रेजेडियन. मींस वो ट्रेजेडी लिखते थे. उनका पेट नेम था किट मार्लो. लाइफ स्पैन 1564 to 1593. मीन्स बहुत ही छोटा लाइफ स्पैन था ऑफ ओनली 29 years. ही वॉज बॉर्न इन कैंटरबरी इंग्लैंड. जब हम इनका बर्थ ईयर देखते हैं 1564, देन वी रिमेंबर कि विलियम शेक्सपियर वॉज ऑल्सो बॉर्न इन द सेम ईयर. तो कभी कभी एक कॉन्ट्रोवर्सी आती है. कुछ लोग सोचते थे कि क्रिस्टोफर मार्लो ही विलियम शेक्सपियर थे. कुछ लोग कहते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने डेथ को फेक किया मतलब झूठ बोला कि मतलब क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ हो गई है और बाद में उन्होंने विलियम शेक्सपियर नाम से लिखा. और कुछ लोग ये कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर पहले क्रिस्टोफर मार्लो के नाम से लिखते थे, बाद में उन्होंने विलियम शेक्सपियर के नाम से लिखा. तो ये कन्फ्यूजन अभी भी लोगों के माइंड में है और ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि वेदर दे वर द सेम पर्सन और नॉट. बट राइट नाउ हम लिटरेचर में क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर को दो डिफरेंट आइडेंटिटीज से स्टडी करते हैं. क्रिस्टोफर मार्लो के फादर शूमेकर थे और 9 भाई बहनों में ही वॉज द एल्डेस्ट. इनकी पढ़ाई किंग्स स्कूल इन कैंटरबरी एंड क्रिस्टी कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई. अब जब ये कॉलेज में थे तो ये कई बार कॉलेज से एब्सेंट रहते थे और कैथलिसिज्म को स्टडी करते थे. और कुछ लोग ये मानते थे कि ये एब्सेंट रहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के एक सीक्रेट स्पाई हैं, मतलब गवर्नमेंट के एक सीक्रेट जासूस हैं. ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉलेज में उनको पास कराने के लिए या कॉलेज उनको डिग्री दे दे, इसका एक स्पेशल लेटर आया था क्वीन एलिजाबेथ से. तो इस लेटर आने की वजह से लोग कहते हैं कि हो सकता है ये गवर्नमेंट में एक सीक्रेट स्पाई हो, इस वजह से ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज को अटेंड नहीं कर पाते हैं और दैट्स वाई क्वीन एलिजाबेथ ने ये लेटर दिया है. रिमेन्स एब्सेंट इन कॉलेज टू स्टडी इंग्लिश बिकॉज ही वॉज अ कैथलिक सर्व्ड एज स्पाई. स्पेशल लेटर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ्स काउंसिल टू यूनिवर्सिटी टू ग्रांट हिम द डिग्री. फर्स्ट ग्रेट ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्स. तो क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं ये ब्लैंक वर्स के फर्स्ट ग्रेट ऑथर थे. ही जॉइंड द फ्री थिंकर्स. फ्री थिंकर्स एक क्लब था जिसे अंडरग्राउंड क्लब या द स्कूल ऑफ नाइट भी बोला जाता था. उस क्लब को क्रिस्टोफर मार्लो ने ज्वाइन किया था, यानी फ्री थिंकर्स के क्लब को इन्होंने ज्वाइन किया था जिसे अंडरग्राउंड क्लब या द स्कूल ऑफ नाइट भी बोलते थे. इस क्लब के जो मेम्बर्स थे वो हर कैटेगरी से आते थे. वो नोबल मैन भी थे, वो कोर्टियर्स भी थे, वो कॉमन मैन भी थे. तो हर कैटेगरी के लोग जो हैं इस क्लब से बिलोंग करते थे. अब डेथ, जैसा कि इनका बर्थ या इनका लाइफ भी एक कंट्रोवर्सी है, द सेम इज़ विद द डेथ. इनकी डेथ भी एक कंट्रोवर्सी है. एक बार ये कुछ फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहे थे और फूड बिल पर कोई इशू आया और उन्हें राइट आई के नीचे किसी ने स्टैब कर दिया और उनकी डेथ हो गई. कुछ लोग मानते हैं कि ये एक इंसिडेंट ही था, वाकई में ऐसा हुआ था. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनके ऊपर एथिसिज्म के चार्जेस लगे थे. एथिसिज्म मींस वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. तो उसके चार्जेस लगे थे. कुछ लोग कहते हैं कि ये जासूसी की वजह से अरेस्ट हुए थे, एक्चुअली अरेस्ट हुए थे और उसके बाद छूटने के बाद गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने ही इसने मारा है और ऐसा सीन प्रिडिक्ट किया है. और ये होमोसेक्सुअल भी थे. तो कुछ लोग कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी की वजह से, कुछ लोगों की दुश्मनी की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ. तो एक्चुअली इनकी डेथ किन रीजंस से हुई ये पता नहीं है. बट देन चार्जेस ऑफ अथीज, अरेस्टेड ऑफ यर्स से, स्कफल ओवर अ फूड बिल, स्टैब्ड अबव राइट आई एंड ही वॉज ऑल्सो अ होमोसेक्सुअल. अच्छा, ये जब हमने बताया फ्री थिंकर्स का जो ग्रुप था, ये ग्रुप अक्यूज हुआ था ऑफ अथीसिज्म. मतलब ये पूरा ग्रुप ही अथीस्ट था, गॉड में बिलीव नहीं करता था, जो कि पीबी शैली के साथ भी था.
तो ये कई रीजंस थे इनके डेथ के। एपिलॉग ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स ऑन हिज टूम्बस्टोन, उनके टूम्बस्टोन पे डॉक्टर फॉस्टर्स का एपिलॉग है, उन्हीं का प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स का एपिलॉग लिखा हुआ है। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि क्रिस्टोफर मार्लो के हर वर्क में या ऑलमोस्ट ऑल वर्क में होमोसेक्सुअल फीचर दिखाया गया है। हम जानते हैं कि ये होमोसेक्सुअलिटी के लिए अक्यूज्ड थे, तो इनके काफ़ी सारे वर्क में होमोसेक्सुअल फीचर भी दिखाया गया है, ये हमें याद रखना है। और शेक्सपियर पेस ट्रिब्यूट इन एज यू लाइक इट, शेक्सपियर ने ट्रिब्यूट पे किया इन एज यू लाइक इट। एंड बेन जॉनसन ने कहा कि क्रिस्टोफर मार्लो राइट माइटी लाइन्स, कि क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो माइटी लाइन्स लिखते हैं। दो जनों का हम लोग याद रखेंगे, शेक्सपियर जिन्होंने एज यू लाइक इट में क्रिस्टोफर मार्लो को ट्रिब्यूट पे किया, एंड बेन जॉनसन सेड कि क्रिस्टोफर मार्लो राइट इन माइटी लाइन्स। तो दिस वॉज अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो। नाउ वी मूव टू नोटेड वर्क्स, क्रिस्टोफर मार्लो के इम्पॉर्टेंट वर्क्स। अब हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ दो ही वर्क्स ऐसे थे जो उनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुए। वी नो कि उनका लाइफ टाइम बहुत छोटा था, ओनली ऑफ 29 ईयर्स। तो ओनली टू वर्क्स पब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम, रेस्ट पॉस्थमसली, बाकी सब उनके मरने के बाद ही पब्लिश हुए थे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, बेस्ड ऑन 3 अर्ली बुक्स ऑफ रोमन पोएट वर्जिल। वर्जिल की अर्ली बुक्स के 3 अर्ली बुक्स, 3 जो पुरानी बुक्स थी वर्जिल ने जो लिखी थी, उनके ऊपर बेस्ड है ये प्ले डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। और जिसमें से फर्स्ट बुक थी एनीड, जो कि बहुत फेमस भी थी। तो ये वर्जिल ने 3 बुक्स लिखी थी, उनके वर्क पे ये बेस्ड है डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। ये जॉइंट वर्क था क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस नैश का, मीन्स थॉमस नैश एंड क्रिस्टोफर मार्लो ने एक साथ ये बुक लिखी थी। परफॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन ऑफ द चैपल कंपनी ऑफ बॉय एक्टर्स। अब पहले क्या होता था कि जो भी प्लेज हैं, अलग अलग एक्टर्स की ना कंपनी होती थी, उनके अलग अलग नाम होते थे। तो ये जो प्ले था ये चिल्ड्रन ऑफ द चैपल कंपनी ने परफॉर्म किया था, जो कि बॉय एक्टर्स की कंपनी थी। इसमें क्या दिखाया है, क्वीन फॉल्स इन लव टू वर्जिल्स हीरो एनीड, रिजेक्ट्स मिशन टू इटली, क्वीन कमिट्स सुसाइड। तो ये बहुत शॉर्ट में एक ही लाइन में मैंने आपको बता दिया है कि डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज में दिखाया है कि जो क्वीन है वो वर्जिल का जो हीरो है एनीड उससे प्यार करती है, मगर जो हीरो है वो उसके प्यार को रिजेक्ट करके इटली किसी मिशन पे चला जाता है, और इस वजह से क्वीन जो है वो सुसाइड कमिट कर देती है। तो दिस वॉज ऑल इन डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्क, टैम्बरलेन। टैम्बरलेन एक एपिक फीचर है, एपिक है मीन्स सोर्स फ्रॉम क्लासिकल लिटरेचर। टैम्बरलेन का जो सोर्स है, मतलब ये कहाँ से इंस्पायर हुए हैं मार्लो, ये क्लासिकल लिटरेचर से हुए हैं, ठीक है। इसमें जो स्टोरी है वो एक एशियन एम्परर टिमुर की स्टोरी है, जो पहले एक शेपर्ड थे, मतलब एक शेपर्ड था जो बाद में एक एम्परर बन गया, उसका नाम है टिमुर, उसकी स्टोरी है टैम्बरलेन में। जर्नी ऑफ शेपर्ड टू रूलर, कैप्चर एंटायर कॉन्टिनेंट। तो ये एक जर्नी है एक शेपर्ड की रूलर बनने तक की, और इसने पूरा कॉन्टिनेंट को कैप्चर किया है। टर्निंग पॉइंट इन एलिजाबेथन ड्रामा, ये जो प्ले है टैम्बरलेन, ये एलिजाबेथन ड्रामा में एक टर्निंग पॉइंट था। वाई, 3 रीजंस थे इसके, रिच लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स थीम्स। इस ड्रामा में रिच लैंग्वेज थी, कॉम्प्लेक्स थीम्स थी, कॉम्प्लेक्स प्लॉट थे, इसलिए एक टर्निंग पॉइंट था इन एलिजाबेथन ड्रामा। टैम्बरलेन का एक सीक्वल भी लिखा गया, टैम्बरलेन टू, जो कि लिंक्ड था रेनेसा ह्यूमैनिज्म से। नाउ व्हाट इज रेनेसा ह्यूमैनिज्म, ये मैं एलिजाबेथन एज पे एक वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज रेनेसा ह्यूमैनिज्म। बस आप अभी के लिए ये याद रखिए कि टैम्बरलेन टू जो प्ले है वो लिंक्ड था रेनेसा ह्यूमैनिज्म पे। फर्स्ट ओरिजिनल वर्क ब्रिंगिंग आउट पोटेंशियल इन ह्यूमन, ये फर्स्ट ओरिजिनल वर्क था जो ह्यूमन की पोटेंशियल को दिखा रहा था।
ठीक है, तो टेम्ब्योडन वन इतना फेमस था कि इसका सीक्वल भी लिखा गया, टेम्ब्योडन टू. द नेक्स्ट वर्क इज ज्यू ऑफ माल्टा. ज्यू ऑफ माल्टा जो है यह फाइट फॉर द सुप्रीमसी ऑफ स्पेन एंड ऑटोमन एम्पायर. ज्यू ऑफ माल्टा में स्पेन और ऑटोमन एम्पायर दोनों सुप्रीमसी के लिए लड़ रहे हैं, ये दिखाया है. टाइटल कैरेक्टर है बैराबस. टू अचीव पावर गो टू एनी एक्सटेंट. प्रोलोग रिटन बाय जॉन मैकविले. अब इसमें ज्यू ऑफ माल्टा में दिखाया गया है कि स्पेन एंड ऑटोमन ये सुप्रीमसी के लिए लड़ रहे हैं. टाइटल कैरेक्टर है बैराबस. और इसमें दिखाया गया है कि ये बिलीव करता है बैराबस कि पावर अचीव करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, बस हमें पावर चाहिए, उसके लिए चाहे हमें जो कुछ करना पड़े. और इसका जो प्रोलोग है ये लिखा गया है जॉन मैकविले ने, प्रोलोग लिखा है जॉन मैकविले ने. डॉक्टर फॉस्टस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले है, बेस्ड ऑन जर्मन लेजेंड. ठीक है, डॉक्टर फॉस्टस जो है एक जर्मन लेजेंड, जर्मन स्टोरी पे बेस्ड है. इसमें क्या है, डॉक्टर फॉस्टस साइन हिज सोल टू ल्यूसिफर फॉर 24 ईयर्स ऑफ सर्विंग बाय मेफिस्टोफेलिस. डॉक्टर फॉस्टस एक डॉक्टर है, इसकी समरी भी मैं अपलोड करूँगी. डॉक्टर फॉस्टस एक डॉक्टर है जो हर फील्ड का नॉलेज ले चुका है. अब वो ढूंढ रहा है कि अब मैं किसका नॉलेज लूँ, तो वो ब्लैक मैजिक पे आता है और डिसाइड करता है कि मैं ब्लैक मैजिक का नॉलेज लूँगा. तो ल्यूसिफर जो है ये एक डेमन है, मतलब डेविल है, और उसी का सर्वेंट है मेफिस्टोफेलिस. तो डॉक्टर फॉस्टस ल्यूसिफर के साथ एक 24 ईयर्स का बॉन्ड साइन करता है जिसमें वो अपनी सोल जो है वो ल्यूसिफर को दे देता है और बदले में मेफिस्टोफेलिस को अपना सर्वेंट बनाता है. थीम सोल साल्वेशन एंड डेमोनेशन, क्योंकि डेमन है और सोल है, तो इसका थीम है सोल साल्वेशन एंड डेमोनेशन. फॉस्टियन बार्गेन, एक्सचेंज ऑफ वंस प्रिंसिपल फॉर मटेरियल गेन. इस प्ले में एक वर्ड बहुत ज़्यादा, इस प्ले से एक वर्ड जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया जिसका नाम था फॉस्टियन बार्गेन, मतलब उस वर्ड, वो वर्ड था फॉस्टियन बार्गेन. क्योंकि हमने देखा कि प्ले में वो अपनी सोल को बार्गेन करता है मेफिस्टोफेलिस की सर्विसेज के लिए, तो इसलिए फॉस्टियन बार्गेन मतलब ये होता है कि हम अपने प्रिंसिपल्स, हमने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ जो हैं किसी और को दे देते हैं या बार्गेन कर देते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं सिर्फ मटेरियल गेन के लिए. कर्स, नेक्रोमेंसी एंड सेल्फ कंसीट ये थीम है. ठीक है, तो प्ले की थीम क्या है, कर्स, नेक्रोमेंसी एंड सेल्फ कंसीट. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्क, एडवर्ड द सेकेंड. द फुल टाइटल इज द ट्रबलसम रीन एंड द लेमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकेंड किंग ऑफ इंग्लैंड विद ट्रेजिकल फॉल्ट ऑफ प्राउड मॉर्टिमर. इस प्ले में भी होमोसेक्सुअल सेंसिबिलिटी दिखाई गई है. हाउ, एडवर्ड द सेकेंड की स्टोरी क्या है कि एडवर्ड द सेकेंड के जो फादर थे एडवर्ड द फर्स्ट, उनका एक मिनिस्टर था गेवस्टोन. ठीक है, तो गेवस्टोन के साथ एडवर्ड द सेकेंड के बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे, एक हद तक होमोसेक्सुअल रिलेशन थे. तो इस वजह से एडवर्ड द फर्स्ट गेवस्टोन को एग्जाइल दे देते हैं और उसे उस एम्पायर को, किंगडम को छोड़ के जाना पड़ता है. एडवर्ड द फर्स्ट की डेथ के बाद एडवर्ड द सेकेंड वापस गेवस्टोन को एक लेटर लिखता है कि अब मेरे फादर नहीं रहे हैं और तुम किंगडम में वापस आ सकते हो. ये दोबारा से किंगडम में आ जाता है और इनकी स्टोरी शुरू हो जाती है. तो इसमें एक होमोसेक्सुअल सेंसिबिलिटी दिखाई गई है. रेफेल हॉलनशेड क्रॉनिकल से मटेरियल लिया गया है और उसके बाद ये प्ले अडॉप्ट किया गया बाय बर्टोल्ड ब्रेस्ट इन द ईयर 1923 और उन्होंने लिखा द लाइफ ऑफ एडवर्ड द सेकेंड ऑफ इंग्लैंड. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्ले अडॉप्ट किया है बर्टोल्ड ब्रेस्ट ने और फिर क्या लिखा है, द लाइफ ऑफ एडवर्ड द सेकेंड ऑफ इंग्लैंड. होमोसेक्सुअल सेंसिबिलिटी इस प्ले में दिखाई गई है. द नेक्स्ट वर्क इज द मिस्केयर एट पैरिस. द मिस्केयर एट पैरिस का फुल टाइटल है विद द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ गाइज. द मिस्केयर ऑफ पैरिस बेस्ड है एक रियल मिस्केयर पे जो पैरिस में हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को मार दिया गया था और जिस डे पे मारा था उस डे को बाद में बोला गया बार्थोलोम्यूस डे. बार्थोलोम्यूस डे, ऑन सेंट बार्थोलोम्यूस डे 3,000 प्रोटेस्टेंट्स वर किल्ड. ये एक रियल मिस्केयर था पैरिस का जिसमें ये प्ले लिखा गया द मिस्केयर एट पैरिस. ये प्ले लिखा क्यों गया,
ये प्ले लिखा गया क्वीन एलिजाबेथ वन को वॉर्न करने के लिए कि जैसा पेरिस में हुआ कि इतने कैथलिक्स ने इतने प्रोटेस्टेंट्स को मार दिया, ऐसा इंग्लैंड में भी हो सकता है। तो इस डेंजर से क्वीन एलिजाबेथ को वॉर्न करने के लिए ये प्ले लिखा गया। जब हम एलिजाबेथन एरा पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि एलिजाबेथन एरा से पहले क्या चल रहा था और एलिजाबेथ ने इसके साथ कैसे डील किया, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बीच में। तो इस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये मार्लो ने एलिजाबेथ वन को वॉर्न करने के लिए प्ले लिखा, द मेस्कर एट पेरिस। द नेक्स्ट इज हीरो एंड लियंडर। ये एक पोएम है जो कंप्लीट की गई बाय जॉर्ज चैपमैन। हीरो एंड लियंडर इज अ पोएम कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हीरो जो है वो नेम ऑफ अ लेडी है, ठीक है? अपने दिमाग में ये मत सेट कर लेना कि ही वॉज अ मैन। हीरो जो है वो नेम ऑफ अ लेडी है, प्रीस्टेस टू वीनस, ग्रीक गॉड, ठीक है? ये लेडी जो है ये ग्रीक गॉड वीनस, वीनस जो वीनस कौन है, ग्रीक गॉड, ग्रीक गॉड की प्रिस्टिस है, मतलब ग्रीक गॉड की सेवा करती है। अब रोमांस बिटवीन हीरो एंड लियंडर लीव ऑन टू साइड्स ऑफ अ रिवर। तो इस प्ले में, इस पोएम में क्या दिखाया गया है कि हीरो और लियंडर के बीच में रोमांस चल रहा है और एक रिवर के दोनों साइड्स में ये रहते हैं, ठीक है? तो एक नाइट पे लियंडर जो है वो स्विम करके हीरो से मिलने जा रहा है और बीच में कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो इस पोएम में दिखाए गए हैं। तो ये पोएम, पूरी पोएम स्टार्ट होती है रात में, रात के समय में पूरी पोएम दिखाई गई है और डॉन होते होते यानी अर्ली मॉर्निंग होते होते इस पोएम को कंप्लीट किया गया है। रोमांस है बिटवीन हीरो एंड लियंडर। एपिलियन, लॉन्गर देन एपिक और एलजी, मेजर सब्जेक्ट इन लव। अब मैं इसमें ये क्यों बता रही हूँ कि एपिलियन मीनिंग क्या होता है। एपिलियन मतलब होता है कि कोई भी एक पोएम या थीम चीज़ जो लॉन्गर देन एपिक और एलजी, मतलब एपिक और एलजी से थोड़ी बड़ी हो सकती है, और मेजर सब्जेक्ट इज़ लव, और जहाँ मेजर सब्जेक्ट जो है वो लव है। मैं यहाँ ये एपिलियन इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज ली हीरो एंड लियंडर वॉज अ एपिलियन। जैसे पोएम में अलग अलग होता है, सोनेट्स होते हैं, लिरिक होता है, इन द सेम वे हीरो एंड लियंडर वॉज अ एपिलियन। नेक्स्ट इज पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये एक पेस्टोरल पोइट्री है। ऑब्वियसली शेफर्ड है तो पेस्टोरल पोइट्री है। कम लिव विथ मी एंड बी माई लव, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोइट्री की। कार्पीडियम, कार्पीडियम सीज द डे। कार्पीडियम थीम जो है इस पोइट्री में दिखाई गई है। कार्पीडियम मीन्स क्या होता है कि समय को यहीं रोक दिया जाए और जो अभी टाइम चल रहा है उसको हम टू द फुलेस्ट इंजॉय करें। तो दैट इज सीज द डे, डे को यहीं रोक के उसको पूरा हम इंजॉय करें, दैट इज कार्पीडियम। शेफर्ड इज मेकिंग प्रोमिस एंड क्वेश्चन हिज बिलिविड। तो इस पोइट्री में शेफर्ड जो है वो अपनी बिलिविड से कई सारे प्रोमिस करता है और साथ में कई सारे क्वेश्चन भी करता है। अब हम जब ये जानते हैं कि इस पोइट्री में शेफर्ड जो है कई सारे प्रोमिस करता है और क्वेश्चन भी करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वॉल्टर रिले ने एक पोएम लिखी, दैट इज निम्फ रिप्लाई टू शेफर्ड। सर वॉल्टर रिले आंसर दीज क्वेश्चन इन निम्फ रिप्लाई टू शेफर्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो एंड हिज वर्क्स। मैंने एक बात बताई थी आपको कि क्रिस्टोफर मार्लो के लाइफ टाइम में सिर्फ दो ही वर्क पब्लिश हुए हैं, बाकी सब पॉस्थमसली पब्लिश हुए हैं। तो जो दो वर्क पब्लिश हुए थे वो हैं टेम्बुलिन फर्स्ट और टेम्बुलिन सेकेंड, बाकी सारे उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए। होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। बाय बाय।